हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशु की प्यारी दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा बेटा नहा करके आज सुबह से मॉर्निंग में पढ़ाई भी कर लिया है, फ़ोन भी देखा है और इसको एप्पल दिए हैं खाने के लिए, एप्पल खा रहा है। और चीकू, तुमको सुबह सुबह आज मॉर्निंग में पढ़ाई करके कैसा लगा बेटा? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा? साइंस साइंस पढ़ा, हिंदी पढ़ा, तुमको पता भी नहीं है और मोबाइल देख रहा है। और कौन कौन आने वाली है बेटा आज? लल्लू लल्लू, लैला, इसकी सिस्टर आने वाली है। कौन सिस्टर आने वाली है? बुआ की, सुधा बुआ की छोटी बेटी है जो इससे 1 साल की छोटी है। वो आएगी तो वो दिखेगी, ब्लॉग में दिखेगी। आएगी तो अभी शायद अभी नहीं निकली होगी, निकल गई है। और क्यांश का हेयर बहुत बड़ा बड़ा हो गया, इसको कटवाना होगा। अभी इसका एग्ज़ाम चल रहा है तो इसका पापा बोले अभी नहीं कटवाएंगे, अभी एग्ज़ाम हो जाएगा तो कटवाएंगे। आज भी हम पूरा सारा कपड़ा, जितना भी गर्म कपड़ा था, आज पूरा निकाल के धूप में से रख दिए हैं, चेयर पे और इधर सब डाल दिए हैं। सब गर्म कपड़ा है, अब रख देंगे क्योंकि अब नहीं पहनने का मन करता है। जितना है सब ये क्यांश का है, मेरा है, इसका पापा का, पूरा प्रॉपर जीन्स है सब पूरा। इतना ये जींस रखा हुआ था उधर, और ये सब पूरा कपड़ा है, ड्रेस, इनका टी शर्ट है, एक दो ठो इधर भी है। और बैग धो दिए हैं उधर साइड, बैग भी इधर धो दिए हैं, इसमें सब रख देंगे अच्छा से, उसमें पलंग में रख देंगे। और हम इधर चावल चढ़ाए हैं, इधर भी एक झोला रखे हैं, सारा गर्म कपड़ा है। इनका है, मेरा जैकेट, चीकू का जैकेट, और एक ठो ये वाला स्वेटर भी धोना बाकी है, एक ठो और स्वेटर धोना बाकी है। चीकू को पढ़ाया है, सब ऐसे ही बेड है, ऐसे ये खा रहा है सारा दिन ऐसे ही। अभी इसका छुट्टी चल रहा है, संडे है तो छुट्टी चल रहा है। और ये दूध पी लिया है, इसको मैं ले जाके रख देती हूँ। तो सारा भी बर्तन धोना, गंदा है बर्तन सब धोना है। पापा जी टमाटर लाया, इसको निकाले भी नहीं है प्लास्टिक से, निकाले। मेरा चावल, हम तसले में ही चावल बनाते हैं क्योंकि कोई भी कुकर में चावल कोई खाते नहीं है, तो इसलिए हम तसले में ही चावल बनाते हैं। और पापा का शुगर है तो इसलिए वो बोलते हैं डबल करने, इसका माड़ निकाल देंगे और उसके बाद फिर से इसमें चावल, ये बना हुआ चावल फिर उसी पानी में खौला के पानी में डालेंगे तो ये डबल हो जाएगा, तो वो खाते हैं। और पापा बोले हैं सलाद बनाने, ये पपाया लाए थे पापा, बहुत सुंदर पपाया था, बहुत मीठा, इसका सलाद बनाने के लिए बोले पापा, पपाया का। और दो ठो टमाटर, टमाटर ले लिए, और प्याज, एक प्याज में शायद हो जाएगा, देखते हैं घटेगा तो फिर एक और। और बोले थे गाजर, यहाँ पे धनिया पत्ता, खीरा, एक ठो खीरा लेते हैं, इसमें लहसुन अदरक है। खीरा पता नहीं अभी कैसे देता है खीरा, हर चीज़ तो महंगा ही है। चावल चला देते हैं, पापा बोले हम सलाद खाएंगे, जल्दी जल्दी जाते, पापा का डबल चावल कर देते, पापा नहाने के लिए चले गए। और एप्पल भी उसमें डाल देंगे सलाद में, एक ठो एप्पल। एक ठो एप्पल भी डाल देंगे आराम से पहले सलाद। सो गाइस, देख सकते हैं हम सलाद बनाया है, पपाया, खीरा, और ये है एप्पल, प्याज, टमाटर, इतना सारा सलाद बनाया है। और ये चावल एक ठो हम लोग खाने के लिए निकाल दिए हैं, और ये पापा का चावल, हम लोग ये छन्नी में ही चावल एक बार में ही उछल देते हैं जिससे तुरंत मार निकल जाता है, और इसको अब उछल देंगे। सो गाइस, आप देख सकते हैं मेरे घर में आज मटन बनाया, मैं दिखाती हूँ एक झलक। हेलो गाइस, देख सकते हैं मेरे सासू माँ का जुगाड़, इसमें चूल्हा पर बना था मटन, और ये कढ़ाई में ले आए इसका आग नीचे से, और इस पे रख दिए हैं ये कढ़ाई, और इसमें है मटन। मैं दिखाती हूँ मटन खोल के, सुगंध बहुत अच्छा आ रहा है, दिखाते हैं। देखिए ये मटन बहुत सुंदर है,
सुगंध तो बहुत अच्छा आ रहा है। उठा देते हैं और ये हमेशा गर्म रहेगा चूल्हा, भी इसको जलाने की जरूरत नहीं है, गैस आराम से गर्म रहेगा। मटन ढक दिए हैं ऐसे, मटन अभी आराम से हमेशा गर्म रहेगा, जिनको खाना है गर्म गर्म खा सकते हैं। ये है जुगाड़ मेरी सासू माँ का जैसे बार बार चूल्हा जलाना पड़ता था, गैस चूल्हा आराम से इस पे गर्म रहेगा। इसके अंदर आग है, गर्म है अभी। तो बाहर का भी दिखाते हैं, धूप है बहुत कड़ा कड़ा धूप है। सोफा सुबह धो धा के इसको अच्छा से सब सरिया दिए हैं। और ये मेरा लुक आज का, आज ये हम ड्रेस पहने हैं। आपको अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा, लाइट अच्छा से नहीं है, चलो थोड़ा अंधेरा अंधेरा दिख रहा है। बाहर में हवा चल रहा है, धूप भी है, हवा भी चल रहा है, देख सकते हैं। हवा चल रही थी, मेरा सारा ड्रेस सब धो के पसार दिए हैं इधर धूप में।